शंकर दर्शन को आए हैं, बाबा ने देखा, आज बाबा दर्शन करके गए हैं और इत्तेफाक कन्हैया ने दूध पीना छोड़ दिया। आज वात्सल्य भाव का आनंद है, थोड़ी देर ऐसे ही रंग रंग रहे। आज कन्हैया जी ने दूध पीना छोड़ दिया। बाबा ने मांगा, बोले क्या चाहिए? बोले तेरे लल्ला के दर्शन करा दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बोले दान दे दूं, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लल्ला के दर्शन करा दे। बोले लल्ला डर जाएगा, बाबा दक्षिणा ले ले, बाहर ही बाहर चला जाए, दो चार रुपये ले ले, गैया का दूध पी ले, माखन खा ले, हीरे मोती ले, वो बाहर ही बाहर चला जा। कई माई कहे ना कि पता, मेरा बालक बाहर ही खेल रहा था, गली में एक बाबा आया, काला कलूटा, उसे देख के डर गया, तीन दिन से दूध ना पी ले। आज मैया को भी भाई किसी भगत के पास, किसी इसके पास ले जाके नजरिया उतरवावे कि मेरे लल्ला ने कोई तो झाड़ दो। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है पंडित जी, है ना? दूसरे का बेटा संत बन के आवे तो पैर धो के पीवे, और अपना 21 दिन अनुष्ठान करे तो बाबा के पास आए, बाबा बचाओ संसार भी है। 21 दिन के अनुष्ठान में अगर आपका बालक बैठ जाए और उस दिन से वो नियम बना ले कि दोनों समय मंदिर में जाकर के हरि स्मरण करना है, तो पता नहीं कौन से मंडलेश्वर हुआ भगत सबके पास जा लेंगे और कहेंगे महाराज कुछ दुआ तवीज करो, हमारा संसार भी। तो घर में हो एकांतवास, आराधना ब्रह्म तत्व का हो, परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, चाहे घर में रहो या घर से बाहर। संत नामे वृत्ति है, संत भगवा कपड़े का नाम नहीं है, संत वृत्ति का नाम है।
और अगर संत वृत्ति का नाम नहीं होता तो महाराज जनक को विदेही नहीं कहा जाता। महाराज जनक को ही विदेही कहा, याज्ञवल्क्य को तो नहीं कहा गया, गौतम को नहीं कहा गया, वशिष्ठ को नहीं कहा गया, पाराशर को नहीं कहा, विदेही, बिना देही के, जिसे इस शरीर का भान ना हो। जैसे आप जपते हो हनुमान, हनुमान से क्या मिलता, हा हते शत्रु, हर मंत्र में एक सार छपा होता है, हा हते शत्रु, हा से शत्रु का मर्दन होता है, नु संकेत करता है नूतन, मा मंगल, आ अनंत दिवस, ना नव। हनुमान के स्मरण करने से शत्रु का विनाश होता है, घर में नित नव नूतन मंगल कार्य होने लगते हैं, इसलिए हनुमान का स्मरण करना चाहिए। हमने कहा भगवान, भगवान कौन है, शब्द ब्रह्म है और शब्द बोलता भी है, भा भूमि को संकेत दिया, गा गगन को, वा वायु को, वा और ना के बीच में एक आकार है, यानी उसने अग्नि को संकेत दिया, और ना नीर, आपके शरीर में कितने तत्व हैं, यही पांच है, चित जल पावक गगन और समीर, पंच रचित ते यदव शरीर। अस्तु, जिस परमात्मा श्री हरि ने मुझे इन पांच तत्वों से तन बनाकर भेजा वही मेरा भगवान, ऐसे कहते हैं, जहां बसे सोई सुंदर देशु, जो प्रतिपाल ये वही हरेशु। बाबा का दर्शन हो गया, बाबा चले गए, गली में आनंद मंगल है, माई लोग आती हैं देखने, ऐसे अब जब बच्चा देखने आवे ना, माफ करना मुझे थोड़ा सा सच बोलना मेरी आदत है, जब आती है माई लोग तो पहले बच्चा, एक तरफ तो बच्चे के कपोलों को हाथ लगाएंगे, गालों को लगाएंगे, दूसरे पता मन में क्या चलेगा, बड़ा सुंदर है, देखो कितना सुंदर है, कितना सोना है, कितना है, और मन ही मन कहेंगे देखो ये क्यों कितना गोरा, कितना प्यारा, जी को भाजा, जी करे देखती रहो यार, और ये क्यों मेरा खिला पिला के पड़ा रहे, रात दिन रोता रहे, काला का लोटा बताओ। एक तरफ तो लाला की तारीफ करे, एक मन ही मन ऐसा करे उसे कह दे नजर, ये है दृष्टि दोष है ना, देखो ना कितना सुंदर है लड़का, क्या बॉडी है बच्चे की है ना, एक मेरा देखो खा पी के मूर्ख है, शरीर पे मांस ही ना चढ़ता, एक लल्ला देखो कितना सुंदर है, यशोदा का लल्ला बड़ा चंचल है, चांद जैसा मुखड़ा, बड़ा चंचल है, हसमुख है, अधर कितने सुंदर है, कपोल कितने सुंदर है, फिर दूसरी कहेगी ना ठीक है पर मेरा पता ना रोता ही मेरा, यह है नजर, यह है टोना, यह है दृष्टि दोष, और दृष्टि से तुम्हारा पत्थर फट जाता है इंसान की जब, आज ऐसे ही नजर लगा है लल्ला को, दूध पिला रही है मैया, और यशोदा जब दूध पिला रही है, लल्ला पी ना रहे हैं, ये भाई चलो भाई पंडित जी के पास चले, सयाने भगत के जाए, किसी से डोरा बनवावे, किसी से धागा बनवावे, किसी से जंजीर बनवावे, किसी से कुछ ना कुछ जुक्ति मुक्ति, माँ की ममता है। आज दूसरी सखी भी बैठी है यशोदा के पास, कहते अरे कौन आया था लल्ला ने देखने, बोले बाबा आया था, बाबा की नजर तो ऐसे ही कराओ, बड़ी बड़ी जटा वाले बाबा ने देखा, हाँ कहे मुझे भी नहीं लगे, बाबा ने विभूति लगाई थी, गले में नाग था, पता ना लल्ला उस नाग से डर गए, बाबा की जटाओं से डर गए, उसकी नेत्र की ज्वाला से डर गए, कहे ना ना पड़ोसन भी आई थी वो लाल साड़ी वाली, कौन मैं ना जानू, अरे वो उसकी मम्मी, अरे बड़ा गलत किया तूने, उसकी तो नजर बहुत खराब है, वो तो देख ले तो दूध फट जा, लल्ला भी मारवा तो की बात है। आज सुधा को दूसरी सखी कह रही है कि इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुझे बताती हूँ तेरे लल्ला को बीमारी क्या है, कहे मार गई री, कहे मार गई री, कोई सखी तो ढोला, ये तेरी
la pibe veía la cabeza. मर गई रे कोई सके बेटे की बनाई क्या निराली सान है, पर जो कदर माँ का न जाने वो बड़ा बेईमान है। ब्रज में आनंद है और आज कंस ने पूतना को बुलवाया है और कहने लगा पूतना जाओ, नंद बाबा के यहां एक बालक पैदा हुआ है और उसकी मृत्यु के लिए छल करता है, रणनीति बनाता है कि छोटा बालक हमेशा स्तन पान के लिए अग्रसर करता है, तुम अपने स्तन पान में विष लगा कर कन्हैया को पिला देना और उसका मृत्यु। जगत को पालने वाले को मारने की क्षमता कौन रखता है, पर प्रभु ने तो सिर्फ लीला रचाई है, अब कौन सा काम किससे करवाना। ये भी एक भाव होता है ना, पूतना यानी जिसके पूत ना हो, पूत ना हो जिसके पुत्र ना हो। अस्तु जिसके घर में पुत्र है वो ऐसे कठोर काम कर ही नहीं सकता। पूता नयत अस्तु पूत। अब हमारे पुरुष वर्ग को एक दूसरे को समझने में, मित्रता बनाने में काफी समय लग जाता है ना, और माता जी तो 5 मिनट में ही रिश्ते भी जोड़ ले गए, खिलौना बेचने के बहाने आज पूतना ब्रज में आई है। अनेक तरीके से विद्वान प्रमाण करते हैं, कोई कहता खिलौना, कोई कहता कुछ और, लेकिन वास्तव में उद्देश्य तो पूतना का कृष्ण को मृत्यु के घाट उतारने का था। इसके अंदर बड़े गुप्त रहस्य है, लेकिन वो बात तो सिर्फ जीवात्मा और परमात्मा ही जानते थे। पूतना आती है, तेरे मैंने सुना है तेरे घर में लल्ला हुआ, मुझे भी दर्शन करा दे। बोले तू कौन? बोले मैं ये कहां से है, मैं वो काम की। बोले मैंने तो पहले कभी देखा ना तुझे। अरे तू मेरी बहन ही तो लग गए वो रिश्ते से, तेरे ताऊ का ऐसा मामा का ऐसा रिश्ते भी जोड़ ले, तू मेरी बहन ही तो लगे, तो मैं हो गई ना लल्ला की मासी। लल्ला की मासी हो गई तो वैसे रिश्ते आ जाते, ले जब मासी हो गई तो फिर मामा यानी दो माँ का प्यार, बाद में सपनी हो जाए बात अलग है, लेकिन मामा बोले तो जहाँ दो माँ यानी दो माँ का प्यार, बाद में बोले वो सपनी हो जाए। जब मासी, तो भाई मासी तेरे चेहरे पे उदासी थोड़ी देखेगी, मासी के गोद में दे दिया लल्ला को, और लल्ला को
उतना ने गोद में लिया है। यहाँ बड़े बड़े सुंदर प्राण हैं, भगवान को जैसे ही पुतना ने अपनी गोद में लिया, खेलते खेलते थोड़ी दूर चली गई है। लोगों का ध्यान इधर उधर हो जाए और बस उसका यही है कि विबुध्यं तं बालका मारिका ग्रहम। विद्वानों ने प्रमाण दिया है कुछ श्रीमद् भागवत कथा में कि पुतना को पुत्र नहीं था, इसलिए हर जगह घूम घूम कर दूसरे के पुत्रों को मारने का ही कार्य करती थी। ये मात्र कल्पना है, यथार्थता नहीं। अगर आपका कोई प्रयोजन नहीं है तो किसी के कहने पर आप किसी कार्य के लिए तैयार नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपका उसमें स्वार्थ है, तभी आप अग्रसर होगे, अन्यथा आप भला क्यों अग्रसर होने लगे। ऐसी कुछ दशा है, उतना बाहर गई है कन्हैया जी को अनंत मारो पयदक मंतं यथो रंगम सुप्तम बुद्धिरजुनि ताम तीक्ष्य चित्तां तिवाम चेष्टितां वीक्षयंतरा कोश परीक्षदा शिवतु। गोद में लिया। अब कन्हैया जी ने क्या किया है, जब पुतना ने अस्त्र पिलाया तो कन्हैया जी ने अपनी आंख बंद कर ली है, खुली आंख नहीं थी। तर्क हो गया कि भाई कन्हैया जी ने नेत्र क्यों बंद किए, इसके कई कारण हैं, ऐसे तो इसके 27 कारण हैं। पर समय को देखते हुए कुछ चीजें समझने की जरूरत होगी। कन्हैया जी ने पुतना का स्तनपान करते टाइम अपनी आंखें बंद की। कवियों ने, टीकाकारों ने, रचनाकारों ने अलग अलग तरीके से 27 प्रकार के इसके कारण बताए। एक तो ये कि कन्हैया जी ने देखा कि पूतना अविद्या का रूप है और अविद्या मेरे सामने टिक नहीं सकती, और अगर मैंने अविद्या को देख लिया तो लीला कैसे करूंगा। एक कारण यह भी बताया कि आज इसने भाव तो एक मां का बनाया है और एक पुत्र को मारने की चेष्टा कर रही है, ऐसे कुकृति करने वाली उल्टा मां का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। और एक जगह ये बताया गया कि वास्तव में चंद पल के लिए कन्हैया ने पुतना को मां के भाव में देखा है, क्योंकि महाराज बलि की पुत्री थी पूर्व जन्म में। महाराज बलि के यहां जब वामन अवतार हुआ था, भगवान को देखकर उसके हृदय में ये भाव जग गया था कि अगर ऐसा ही पुत्र मुझे मिले तो मैं एक बार उसे स्तनपान करा दूं। भगवान ने उस भाव से भी नेत्र बंद कर लिए थे। अनेक प्रमाण है। वास्तविकता में 2-3 चीजों पे ज्यादा महत्व दिया गया है कि एक तो ये पूर्व जन्म में महाराज बलि की पुत्री थी और उसका भाव था, वामन अवतार में प्रभु के दर्शन करके कि काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे स्तनपान कराती, प्रमाणित। दूसरा, वेश मां का बनाया, एक पुत्र को मृत्यु की घाट उतारना चाहती है, ऐसी उल्टा का मुंह नहीं देखना चाहिए। तीसरा कारण था कि अविद्या का स्वरूप है, अगर अविद्या परमात्मा के नेत्रों के सामने आ जाती तो टिक नहीं सकती थी, तो प्रभु लीला आगे कैसे करते थे। अनेक प्रमाण है, बाकी कुल मिलाकर यही है कि लोगों की दृष्टि में
उतना का वध किया, लेकिन विद्वान और आध्यात्मिक दृष्टि या तत्व ज्ञान के दृष्टि से मेरे प्रभु ने पूतना को मोक्ष दिया। लेकर के बाहर गई है, प्रभु ने स्तन पान करना शुरू किया। स्तन पान करना शुरू किया और इतनी जोर से स्तन पान किया कि पूतना के प्राण वायु निकल गई, पहाड़ के तरीके से ढा करके गिर गई। पूरे ब्रज में लोग बिल्कुल पूतना चिल्ला रहे, त्राहि त्राहि करके पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। गोकुल के सब लोग भाग पड़े, अरे अरे मेरा लल्ला कहाँ, मेरा लल्ला कहाँ, मेरा लल्ला कहाँ। भगवान पूतना के वक्षस्थल के कटी पर्वत तक आनंद ले रहे हैं, खिलौन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सब लोग भाग करके उनके पास आए, आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हो गई। सबने बच्चे को लिया है और आसपास की महिला